क्या कनाडा आतंक का नया अड्डा बन गया है? आज दुनिया के सामने भारत ने कनाडा के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर दिया। कनाडा की सरकार के आरोपों का भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया गया। आज भारत ने कनाडा की टेरर एक्सपोर्ट वाली पॉलिसी का एक एक सच सबूतों के साथ विश्व के सामने रख दिया। भारत ने कनाडा को बता दिया कि भारत विरोधी एजेंडे वाला हथकंडा नहीं लगेगा, नहीं चलेगा। पॉलिटिकल फायदे के लिए भारत की साख पर उंगली उठाने वाले कनाडा को भारत ने उसकी हैसियत बता दी। आज विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर लेकर से जुड़े हुए एक एक सवाल पर जवाब दे दिया, यानी भारत का अगला कदम क्या है, देखें। कनाडा में 15 लाख भारतीयों का क्या होगा? भारत और कनाडा के रिश्तों का क्या होगा? कनाडा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का क्या होगा? भारत के रिएक्शन पर दुनिया का स्टैंड क्या है? कनाडा की एंटी इंडिया टूल किट क्या है? दिल्ली से करीब 11,000 किलोमीटर दूर कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद दो मुल्कों के रिश्तों के भविष्य पर लटकती तलवार तक पहुंच गया। भारत की तरफ से कनाडा को करारा जवाब दे दिया गया। सरल शब्दों में कहें तो कनाडा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मैसेज क्या है, आप चार निर्णय से समझिए। पहला निर्णय, कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड। दूसरा निर्णय, कनाडा के शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने को कहा गया। तीसरा निर्णय, दिल्ली में कनाडा के डिप्लोमेट्स की संख्या घटेगी। चौथा निर्णय, कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। करीब 72 घंटे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी बयान दिया, भारत के भगोड़े आतंकवादी की हत्या का आरोप लगाया, खालिस्तान का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया। अब भारत में आतंकवादियों का वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। कनाडा को भारत ने संदेश दे दिया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के लबादे में लिपटी भारत विरोधी टूलकिट अब नहीं चलेगी। एक हाथ में खालिस्तान और दूसरे हाथ में भारत से दोस्ती का दाव अब नहीं चलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था कि भारत पर गंभीर आरोप लगाकर सियासी गोल दागेंगे, लेकिन ये भारत की दमदार कूटनीति है कि जस्टिन ट्रूडो का गोल उनके मुल्क के लिए सेल्फ गोल बन गया। आज विदेश मंत्रालय ने 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कनाडा को लेकर एक एक सवाल का जवाब दिया। कनाडा के साथ पूरी दुनिया को भारत का रुख स्पष्ट किया। बहुत लोगों के मन में कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास को लेकर सवाल हो सकते हैं। आपको हम सबका जवाब एक एक करके देते हैं। पहला सवाल है, कनाडा में रह रहे छात्रों का क्या होगा? भारत में छात्रों के माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आज भारत सरकार ने सबसे पहले कनाडा में पढ़ रहे छात्रों को लेकर चिंता दूर करने वाला बयान दिया। विदेश मंत्रालय का कहना है कि रिश्तों का असर भारत के छात्रों पर नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि वीजा पर लगाई गई अस्थायी पाबंदी का असर भी भारतीय छात्रों पर नहीं होगा। यानी कनाडा में पढ़ रहे छात्रों के परिजनों को डरने की कतई कोई जरूरत नहीं। आपका प्रश्न था इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है, हमारे हाई कमीशन हमारे कॉन्सुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, काम हो रही है उनमें, कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें, पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। ये प्रश्न किसी और ने भी पूछा था कि हमारे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स हैं उनको वीजा, हमारे वीजा पॉलिसी से कोई उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँ। सवाल नंबर दो है, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोप को भारत कैसे देख रहा? इसका जवाब भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया, स्पष्ट कर दिया, खालिस्तानी आतंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं, कनाडा सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं आया। भारत मानता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के पीछे सियासी टूलकिट है। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been very, very, very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a direct, indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based
on Canadian soil, has been shared with the Canadian authorities on a regular basis. तीसरा सवाल उठा, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सर्विस रद्द क्यों की? सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खुलेआम खालिस्तानी आतंकी धमकी दे रहे हैं। खालिस्तानी आतंकियों पर कनाडा सरकार की नरमी की वजह से भारतीय दूतावास में काम करना इस वक्त मुश्किल है, लिहाजा इस वजह से अस्थायी तौर पर वीजा सर्विस रद्द कर दी गई। दुनिया के किसी कोने में रहने वाले कनाडा के लोगों को भारत फिलहाल अभी वीजा नहीं देगा। हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट हैं, उनके उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है, इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्परेरली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रही। चौथा सवाल है, क्या भारत ने इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों से चर्चा की है? जवाब है कि भारत ने अपने सभी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के साथ इस मुद्दे पर सिर्फ चर्चा ही नहीं की बल्कि डंके की चोट पर बता दिया कि कनाडा के आरोप बेबुनियाद हैं। कनाडा की मौजूदा सरकार भारत विरोधी आतंकवादियों को शरण दे रही है, भारत विरोधी एजेंडे को फलने फूलने का मौका दे रही है, भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली टूलकिट का हिस्सा है। हमारे पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है, हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, उनको हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और इनका जो एलिगेशन है उस पर मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर किया है, तो उसके बाद उन्होंने हमने फिर एक्शन जो लेना पड़ा सब इससे रिलेटेड है कि टेररिज्म पे एक्शन नहीं हो रहा है। अब पांचवा सवाल, कनाडा से कूटनीतिक रिश्तों का भविष्य क्या है? भारत ने आज कनाडा की डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। भारत ने साफ कर दिया जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह है, आतंकियों को फंडिंग पाकिस्तान से होती है, ठीक ऐसे ही इस वक्त आतंकियों के लिए कनाडा एक सेफ हेवन बना हुआ है। कनाडा सरकार पॉलिटिकल फायदे के लिए कट्टरता पर आंखें मूंद कर बैठी है। भारत ने कई दहशतगर्दों की डिटेल कनाडा सरकार के साथ शेयर की लेकिन अब तक कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। भारत की अब लाइन यही है कि बड़बोले कनाडा के चाल चरित्र और चेहरे को दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। कि देखिए हमारा जो पोजीशन है कि इसमें टेररिज्म का मुद्दा है, इसमें सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहाँ पे जो एक्शंस ले रहे हैं हमारे डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट या किसी और के अगेंस्ट। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, चाहे वो वीजा का मामला हो या फिर आतंकवाद का। भारत ने न केवल कनाडा को एक मैसेज भेजा बल्कि पूरी दुनिया में अपना मैसेज साफ तरीके से रख दिया। अमित भारद्वाज के साथ और कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ गीता मोहन, आज तक नई दिल्ली।